मेरी चैनल का नाम है बी वर्सेटाइल एंड इफ यू आर वाचिंग दिस स्पेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एज यू ऑल नो कि हेयर केयर एंड स्किन केयर हम लोग घर पे करते ही रहते हैं और करना भी बहुत जरूरी है हमारे स्किन के लिए प्लस हमारे हेयर्स के लिए। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट का रिव्यू। सो ये मुझे स्किन केयर किट बेसिकली रिसीव हुई है इंडस वैली की तरफ से। सो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू वीडियो शूट करती हूँ और साथ ही साथ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि देखते हैं इनका स्किन रेंज एंड हेयर रेंज कैसी है। रिसेंटली आई वॉज ट्रेवलिंग अ लॉट एंड मेरे स्किन केयर एंड हेयर्स की तो बहुत हालत खराब हो गई थी। सो आज मैं पूरा अपने आप को टाइम देने वाली हूँ, अपने आप को पैम्पर करने वाली हूँ। सो मुझे जो इंडस वैली के प्रोडक्ट रिसीव हुआ है आज मैंने उसे ही अपनी हेयर केयर एंड स्किन केयर करी है और मैंने वो किस तरह से करी है चलिए मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ। तो क्या आपको एक ऐसे प्रोडक्ट का नाम पता है जो हम हमारे स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड हमारे हेयर्स के लिए भी साथ में यूज कर सकते हैं? और वो है नन अदर देन एलोवेरा जेल। यस, मेरे घर में तो इसका प्लांट है बट होता है सिटीज में, बहुत सारे लोगों के पास इसका प्लांट नहीं होता है। बट सो मेरे पास प्लांट होने के बावजूद भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसे तोड़ू, पील ऑफ करूँ, देन अपने स्किन पे अप्लाई करूँ। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा रेडीमेड होना चाहिए जो क्विकली हम यूज कर सके, बस फटाफट डब्बा खोला एंड यूज कर लिया। सो लकीली मैं एलोवेरा जेल लेने ही वाली थी बट यस, मेरे पास खुद से ही कोलैबोरेशन के लिए इंडस वैली ने अपने प्रोडक्ट्स भेजे हैं। और ये देखिए, ये है इंडस वैली का एलोवेरा जेल जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में मुझे मिला है। इसकी फ्रेग्रेंस इज सो अमेजिंग गाइस, यू नो बहुत ही एकदम फ्रेश वाली फ्रेग्रेंस आती है इसकी। सो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को हील रखता है, हाइड्रेट रखता है। और वैसे भी अभी विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में हमारी स्किन क्रैक होने लगती है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। यू नो आपकी फटी हुई स्किन में ही बहुत इजीली वर्क करेगा। वैसे अगर आपके बालों में डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर फ्रीजी हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, अपने बालों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं तो उन सब चीज़ों से मुझे बचाता है ये एलोवेरा। मैं इसे बस यूजली हाथों में लेके अपने बालों में लगा लेती हूँ तो बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है। एंड आप इसे डेली यूज कर सकते हैं आपकी स्किन को यंग, रेडियंट एंड हील्ड रखने के लिए। बेस्ट चीज ये है कि इसमें 100% एलोवेरा का यूज करा हुआ है, साथ ही साथ ग्रीन टी का यूज करा हुआ है, रोज का यूज करा हुआ है एंड 2-3 इंग्रेडिएंट्स और यूज करे हुए हैं जिससे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है क्योंकि इसमें टी एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है प्लस साथ में एलोवेरा है तो ऑब्वियसली आपके स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बड़ा सा जार जो है ये है 400 ml में एंड इसका प्राइस है 449। थोड़ा सा प्राइस है बट यू नो गाइस इट जस्ट डू जस्टिस। जब आप इसे यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है। एंड इनफैक्ट अभी अमेज़न में रिसेंटली सेल चल रही है और ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है तो इतना बड़ा जार आपको काफी कम प्राइस में मिलेगा। लिंक्स मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक करना आप मत भूलना। एलोवेरा इज अ मल्टीपर्पज थिंग, यू नो फेस में लगा लो, हैंड्स में लगा लो, नेक पे लगा लो, बालों में लगा लो, स्कैल्प में लगा लो, ये आपको नुकसान करेगा ही नहीं एट एनी कॉस्ट। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इंडस वैली के प्रोडक्ट्स जो है वो ट्राई करा जाए। इनके बहुत सारे ऐसे कॉम्बो पैक आते हैं जो कि हम DIY कर सकते हैं। DIY मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, मतलब कि आप वो जो पैक है आप घर में ही बना सकते हैं, आपको उसके लिए अलग अलग चीज़ें जुगाड़ने की जरूरत नहीं, सारी इस कॉम्बो पैक में आ जाती है। मेरे पास है कॉम्बो पैक नंबर 3 और आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इनके अलग अलग टाइप के कॉम्बो पैक्स दिख जाएंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसके साथ में एक हैंडी बुक भी आती है जो कि कहलाती है रेसिपी बुक। इस बुक में रेसिपीज दी हुई है, खाना बनाने वाली नहीं बट ये आपके स्किन और हेयर केयर के लिए। जितने भी इंडस वैली के कॉम्बो पैक्स होते हैं उन सब की इसमें डिटेल्ड रेसिपी दी हुई है। यहाँ पे कॉम्बो पैक नंबर दिया हुआ है और उस कॉम्बो पैक के बारे में दिया हुआ है कि इस पैक में कितनी चीज़ें आएंगी, उनको आपको कैसे मिक्स करना है। इसमें स्किन केयर एंड हेयर केयर सबके कॉम्बो पैक्स दिए हुए हैं। आप इसे DIY कर सकते हैं घर पे खुद ही, आपको अलग अलग सेपरेटली जाके प्रोडक्ट्स जुगाड़ने नहीं है। सो इसमें मुझे मिला है ग्रो आउट हेयर ऑयल जो कि या तो आप रात में लगा सकते हैं या फिर वॉश करने के 2 घंटे पहले लगा सकते हैं। और दूसरा मुझे मिला है इसमें ग्रो आउट शैम्पू जो कि आपकी हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा। एंड थर्ड मुझे एक और इसमें मिला हुआ है एलोवेरा जेल जो कि हमें स्कैल्प एंड अपने हेयर्स पे यूज़ करना है एंड हमारे बालों की ग्रोथ, शाइनिंग, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं। इसमें ब्रिंगराज है, रोजमैरी है, मुलेठी एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आप इंग्रेडिएंट्स इसके डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे बालों में बहुत अच्छा रहने वाला है। चीज़ें इसमें मिली हुई है, प्रोसेस भी बहुत ईजी है। जब हम अपने बालों में हेयर ऑयल लगा लेंगे, शैम्पू से हमें वॉश कर लेंगे, उसके बाद हमें ये एलोवेरा जेल को लगाना है। इसकी कंसिस्टेंसी एंड थिकनेस की बात करूँ, फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है एंड ये इतना मेरा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, मैं काफ़ी बार इसे लगा लेती हूँ, क्विकली बालों में अच्छे से शाइनिंग आ जाती है।
नाउ मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूज़ करा है। ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और या तो आप इसे ओवरनाइट अपने बालों में रख के छोड़ सकते हैं, या फिर जब भी आपको हेयर वॉश करना है उसके 2 घंटे पहले आप अपने से बालों में अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसी शैम्पू से हेयर वॉश करें। ऑल्सो द ऑयल इज़ नॉन स्टिकी, सो आप इसे डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ आई हैव ऑलरेडी टेकन बाथ एंड नाउ माई हेयर्स फील सो स्मूथ। और इसमें मैं अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल को, और मैंने हेयर वॉश भी करा है इन्होंने जो शैम्पू दिया था उससे। नाउ आई एम गोना टेक थोड़ी सी क्वांटिटी में एंड इसे मैं अपनी ओवरऑल दी लेंथ अप्लाई करूँगी। इसे वॉश ऑफ नहीं करना है, इसे अब हमें ऐसे ही रहने देना है ताकि जब भी हम कॉम करें तो हमारे बाल टूटे ना और अच्छे वे में कॉम्बिंग हो जाए, प्लस हमारे बालों में शाइनिंग इफेक्ट बना रहे। एंड जेल लगाने के बाद ही आपके बाल बहुत ऐसे खिले खिले हो जाएंगे, तो आपको कॉम करने में इजी पड़ेगा, हेयर फॉल नहीं होगा, और बहुत मेरे बाल एकदम स्मूथ से मुझे फील हो रहे थे। सो ये जो बड़े से बॉक्स वाला एलोवेरा जेल है इसे मैं अपने हैंड्स एंड फीट्स में भी लगाती हूँ। सो इस किट की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें जो क्वांटिटी है बहुत थोड़ी थोड़ी सी है, तो आप इसे कॉम्बो पैक्स को बुला के यूज़ करके देख सकते हैं कि आपके स्किन को, आपके बालों को ये चीज़ें सूट कर रही है या नहीं। सो मैं इनके आपको प्राइजेस बता दूँ तो प्राइजेस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। यू नो ये जो ऑयल था 25 ml था, इसका प्राइस है 99 rupees, और ग्रो आउट शैम्पू जो है वो भी 25 ml था, इसका प्राइस है 75 rupees, एंड जो एलोवेरा जेल है 50 ml है, इसका प्राइस है 99 rupees, एंड ओवरऑल ये हमारी DIY किट हमें पड़ती 273 rupees की। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, नीचे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां से आप इसे परचेस कर पाए, या फिर सीधे आप इसकी वेबसाइट पे जाके इनके प्रोडक्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ये मेड इन इंडिया है, सो दोस्तों आपको तो ये यूज़ करना ही चाहिए। बता देना चाहती हूँ कि इनके प्रोडक्ट जो हमें किस किस रेंज में मिलते हैं। इनका आता है एंटी बैक्टीरियल फेस पैक, एक्ने कंट्रोल फेस पैक, एंटी हेयर फॉल पैक, बॉडी पॉलिशिंग एंड स्क्रबिंग पैक, ड्राई हेयर कंडीशनिंग पैक, डैंड्रफ क्लेरिफाइंग हेयर पैक, एंड डर्ट फ्री स्कैल्प कंडीशनिंग हेयर पैक, फुट रिलैक्सेशन पैक, हेयर रीग्रोथ पैक, कंडीशनिंग पैक, नरिशिंग पैक, रिलैक्सिंग पैक, बहुत सारे इनके पैक्स आते हैं। साथ ही साथ इनके स्किन के लिए आते हैं स्किन डिटॉक्सिफाइंग स्क्रब पैक, ग्लोइंग फेस पैक, रिजुवेनेटिंग पैक, मॉइस्चराइजिंग सीरम पैक, स्ट्रेस रिलीवर मसाज जेल पैक। आपको सारे चेक करना चाहिए। 25-26 तो मैंने आपके सामने आई थिंक पढ़ लिए है, और ये पूरी बुकलेट में पढ़ रही थी तो मुझे लास्ट में दिखा कि ये जो प्रोडक्ट जिन्होंने बनाया है वो खुद PhD करा हुआ है उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में। सो आई नो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हेयर के एंड स्किन के प्रोडक्ट्स रेंजेस वो लेके आए हैं, उन्होंने ये लॉन्च करा हुआ है। लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन जब भी आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि ये 100% वीगन है, प्लस इसमें ये है कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ करे हैं वो विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ करे, वो खुद ही ग्रो करते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए। और मेरी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, और मेरे नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो के लिंक्स डले हुए हैं, उन्हें भी चेक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वेट करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। I'm not the one who's running out of time.